हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपने टॉपिक जो बीएससी सेकंड ईयर और बीए सेकंड ईयर के लिए अपन जो ह्यूमन जो ज्योग्राफी में अपन जो पढ़ रहे थे, जो सेकंड पेपर था अपना ज्योग्राफी का मानव भूगोल, उसमें अपन जो टॉपिक था अपना माइग्रेशन प्रवसन या प्रवास का जो अपन पढ़ रहे थे, यानी कि प्रवसन के कारण। यानी प्रवसन के जो कारणों में अपन ने जो उनके जो कारण थे उनके बारे में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो लोग हैं अपने धार्मिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से और आर्थिक कारणों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं। उनके कारणों के बाद में अपन जो प्रवसन के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ माइग्रेशन, उनके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस जो अपने पास में जो किन किन क्षेत्रों से, किन किन जो क्षेत्रों से लोग प्रवास करके प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जो लोग थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास कर रहे थे और किन क्षेत्रों से हुआ, उन क्षेत्रों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें आ जाएगा अपने पास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रवसन के प्रकार, यानी कि अपन आज सुनेंगे टाइप ऑफ माइग्रेशन, यानी कि जो प्रवसन के जो प्रकार हैं उनमें अपन देखते हैं कि जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर लगातार वो प्रवास कर रहे हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश की ओर, या अपन कह सकते हैं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, या अपन कह सकते हैं कि एक स्थानीय क्षेत्र में या देश के जो आंतरिक भागों में जो लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, एक गांव से दूसरे राज्य की ओर लगातार प्रवास जो कर रहे हैं, उन प्रवासों को अपन ध्यान में रखते हुए जो अपने पास में प्रवास के जो प्रकार हैं उनको अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। यानी जो लोगों का जो प्रवास का जो क्षेत्र है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, एक देश से दूसरे देश की ओर, या अपन कह सकते जो आंतरिक जो प्रवास हैं उन सभी को अपन एक श्रेणी में रखकर उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला अपने पास में आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन या प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात अपन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उसकी अपन बात करते हैं। नंबर दो था अपने पास में अंतर्देशीय, अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। यानी कि अपने पास में अंतर्देशीय या आंतरिक जो प्रवास हैं उसके बारे में अपन बात, यानी कि दूसरा अपने पास में कौन सा आ गया, अंतर्देशीय या आंतरिक जो प्रवास की अपन बात कर रहे थे, यानी कि इसमें नेशनल या इंटरनल जो माइग्रेशन दो अपने पास में हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवसन के बारे में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवसन है उसमें विश्व में, यानी कि पहले अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। जब लोगों के द्वारा एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर वो प्रवास करते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर प्रवास करते हैं, तो ऐसे प्रवास को अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन या अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उसको अपन कहते हैं। यानी कि एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जब प्रवास होता है तो उसको अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कहते हैं। जो अपने पास में लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हैं वो प्राचीन समय से ही अपने आर्थिक हैं कारण हैं, राजनीतिक कारक हैं, धार्मिक कारक हैं, सामाजिक कारणों की वजह से लोग प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक जो लगातार प्रवास करते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रवास हैं, यानी कि जैसे अपने पिछले वीडियो में भी अपने चर्चा की कि जो वर्तमान समय में जो लोगों का प्रवास हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, रोजगार के लिए।
यानी कि अपन कह सकते हैं आर्थिक कारक, यानी कि वर्तमान में जो अधिकांशतः जो प्रवास होता रहा है या हो रहा है वो लोगों के रोजगार के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश की ओर जो है प्रवास कर रहे हैं। तो यह था अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की कुछ परिभाषाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं, जब लोगों के द्वारा एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास किया जाता है तो उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। उसके बाद में अपन जो बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय, इसी में अपन पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मेजर इंटरनेशनल, अपने पास में जो मेजर इंटरनेशनल इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अपने पास में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, विश्व के जो विभिन्न देशों के जो मध्य होने वाला जो अपने पास में एक देश से दूसरे देश से जो अपने पास में स्थानांतरण है वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यानी कि जो अपन कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास था वो प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। जैसे अपन ने विश्व इतिहास में अपन पढ़ते हैं कि भारत से भी जो लोग थे रेशम मार्ग के द्वारा जो लगभग 6000 साल पुराना था, वहाँ से जो अपने दक्षिण भारत से जो चाय मसाले थे, जो रेशम के जो कपड़े थे, ईरान का जो मखमल था उसका जो व्यापार करते थे, और यानी कि अपने जो रेशम मार्ग पारसिया, यानी कि जो ईरान का जो प्राचीन नाम है पारसिया, वहाँ से होते हुए यूरोप महाद्वीप तक जो लोग व्यापार करते थे, तो ऐसे यानी कि अपन कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी अपन बात करते हैं कि प्राचीन समय में जो प्रवास होता था वो साम्राज्यवादी नीति, यानी कि साम्राज्यवादी नीति कहते हैं, या जबरदस्ती, या अपन कह सकते हैं कि कहें कि जो दास प्रथा के तहत, बंधुआ मजदूरी के तहत, बेगार प्रथा के तहत लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका प्रवास या स्थानांतरण होता था। लेकिन वर्तमान की अपन बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो प्रवास हो रहा है वो पर्यटक हैं, उच्च शिक्षा हैं और रोजगार के दृष्टिकोण या रोजगार जैसे विषयों के साथ में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर रहे हैं। इन जो प्रवासों में भी अपन बात करते हैं कि जो मुख्य रूप से किसके लिए, जो वर्तमान में जो हो रहा है रोजगार, उच्च शिक्षा है, रोजगार है, और पर्यटक क्षेत्र में जो लोग प्रवास कर रहे हैं उनमें भी मुख्य रूप से जो अपने यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के लोगों का जो प्रवास है वो अधिक हो रहा है। यानी कि कौन कौन से अपने पास में यूरोपीय लोगों का और एशियाई लोगों का, यानी कि एशिया महाद्वीप से और यूरोप महाद्वीप से लोगों का जो स्थानांतरण है, प्रवास है, वो अधिक मात्रा में हो रहा है। यानी यूरोप के लोग और एशिया महाद्वीप के जो लोग हैं वो लगातार प्रवास कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरोपियन जो लोग हैं या यूरोपीय प्रवासन, इसकी बात कर रहे हैं अपन, यूरोपियन जो प्रवासन की अपन बात कर रहे हैं। यानी कि यूरोपीय प्रवासन की अपन बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि यूरोप महाद्वीप का कौन सा भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। जैसे अपन यूरोप महाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग कौन सा आएगा, अटलांटिक महासागर के पास वाला, जिसको अपन कह सकते हैं अंध महासागर का भाग। तो यूरोप महाद्वीप का कौन सा भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग। उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ से जो लोग हैं प्राचीन समय से ही दूसरे देशों की ओर प्रवास करें। अब यहाँ जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, इधर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपन कहें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ये देश मुख्य रूप से आते हैं।
यानी उत्तर पश्चिमी भाग में कौन से आ गए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड। अब अपने पास में जैसे आपने कई बार नाम सुना है ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, आखिर ये ब्रिटेन जो वर्ल्ड मैप में अपन को दिखता ही नहीं है, ब्रिटेन इसका नाम है लेकिन है कौन से देश। ब्रिटेन में अपन बात कर लेते हैं पहले ब्रिटेन की, आगे उसके बाद में चर्चा करेंगे कि यूरोपीय लोगों का प्रवास किस तरह हुआ। पहले अपन बात करते हैं कि ब्रिटेन है क्या, ब्रिटेन कौन सा देश है। जैसे अपने पास में क्या आ रहा है, एक ब्रिटेन शब्द आ रहा है और बार बार अपन पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटेन ब्रिटेन, भारतीय जो सरकार, भारत को जो गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश सरकार थी और यहाँ पर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, भारत को 250-300 सालों तक गुलाम बना के रखा, ये बार बार अपन सुन रहे हैं ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटेन जो अपने पास में है, इसमें अपने पास में जो मुख्य रूप से देश आते हैं, एक तो अपने पास में इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन है मुख्य रूप से चार देशों से मिलकर बना हुआ एक देशों का समूह है, उसको अपन ब्रिटेन कहते हैं। तो ब्रिटेन में एक तो अपने पास में आ गया इंग्लैंड, एक आता अपने पास में उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उसके बाद में स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, एक अपने पास में वेल्स। ये अपने पास में कितने हो गए, चार देशों से मिलकर अपने पास में क्या बनता है, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, है ना। ये जो चार देशों से मिलकर अपने पास में, ये है अपने पास में ब्रिटेन, जो कहां पर है, अटलांटिक महासागर के जो अपना पूर्वी तट है या अपन कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास में, उत्तर पश्चिमी दिशा में इंग्लैंड के पास में, इंग्लैंड के पास में ही अपने पास में वेल्स हैं उत्तरी भाग में, या अपन कहेंगे इंग्लैंड के पश्चिम में उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और ये चारों मिलकर अपने पास में कौन सा देश बनाते हैं, ब्रिटेन। तो अपन बात कर रहे थे यूरोपीय प्रवासन की, जो यूरोप के जो अधिकांश लोग थे वो उत्तर पश्चिमी भागों से जो प्रवासन कर गए थे, और इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्गों से होकर उत्तर पश्चिमी भागों के जो निवास करने वाले, यानी इन देशों के जो लोग थे वो समुद्री मार्गों से होकर 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी। अब अपने पास में आता है कि 17वीं शताब्दी कब से शुरू होती है, 17वीं शताब्दी सन 1600 से शुरू होती है और 20वीं शताब्दी सन 1900 से शुरू होती है। तो 17वीं शताब्दी कब से शुरू हो रही है, सन 1600 से, और 20वीं शताब्दी कब हो रही है, सन 1900 से। तो अपन बात कर रहे हैं कि 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य जो हैं अनेक देशों में जाकर ये स्थायी रूप से निवास करने लगे, यानी कि यहाँ से लोग जो थे अनेक देशों में जाकर, यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं अन्य देशों में जाकर स्थायी रूप से निवास करने लग गए, साहब करने लग गए। इसका रीज़न क्या था कि यहाँ से क्यों गए, क्योंकि 17वीं शताब्दी के बाद में जो यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी होने लगी, क्षेत्र जो अशांत राजनीतिक दृष्टिकोण से अशांत क्षेत्र हो गया, लगातार जनसंख्या बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर गिरने लग गया, अपन कह सकते हैं कि उनकी जो दैनिक दिनचर्या है या उनके जो संसाधनों की जो पूर्ति है वो सही प्रकार से नहीं हो रही थी, उनका जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा था। इस गिरते रहने की वजह से ये लोग उन क्षेत्रों में पहुँचने लग गए जो ऐसे ज्ञात क्षेत्र, ऐसे जानने वाले क्षेत्र जहां पर संसाधनों की प्रचुर मात्रा थी और वहां पर उनका जीवन स्तर उच्च तरीके से वो व्यतीत कर सके, उन क्षेत्रों की ओर ये प्रवास करने लगे। और ये मुख्य रूप से कहाँ गए, इधर के जो लोग थे वो किधर की ओर जो प्रवास करने लगे, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों की ओर ये प्रवास करने लग गए। अब यूरोपीय जो लोग थे, जैसे अपन ने पढ़ा था कि इंग्लैंड में जो अपने की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य होगी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का मीन्स यहाँ पर क्या करें कि बड़े बड़े जो उद्योगों की शुरुआत थी वो कहाँ हो चुकी थी, अपने इंग्लैंड में। अब 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब 1750, सन 1750 के आसपास जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो
जो ये लोग ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड के जो लोग थे, जो अपने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में गए, तो वहाँ पर अपने साथ में ये जो तकनीकी ज्ञान लेकर वहाँ के संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन करने लगे, या अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर अपने तकनीकी ज्ञान की वजह से वहाँ के संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करके जो उनके पास में संसाधनों की जो कमी थी उनकी वो पूर्ति करने लगे, और लगातार धीरे धीरे वहीं पर वो स्थायी रूप से प्रवास या स्थायी रूप से प्रवासी के रूप में वहाँ पर निवास करने लग गए थे। जो यूरोपियन लोगों का जो मुख्य प्रवास था वो मुख्य रूप से 1820 के बाद में प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो यहाँ के लोगों का जो मुख्य प्रवास जो प्रारंभ हुआ था वो 1820 के बाद में ही यहाँ के लोगों का प्रवास जो प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इसके बाद में यूरोप महाद्वीप में अत्यधिक यानी अपन कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट प्रारंभ हो गया, और यहाँ पर संसाधनों की जो कमी होने लग गई, और उस कमी को पूरा करने के लिए और साथ में औपनिवेशिक साम्राज्य, औपनिवेशिक नीति और दूसरे देशों के संसाधनों का जो उपयोग करके अपने आधुनिक जो सुख सुविधाओं या अपने संसाधन जुटाने के लिए दूसरे देशों की ओर ये लगातार प्रवास करने लगे थे। कब? 1820 के बाद से लेकर 1940 तक, 1820 से लेकर 1940 तक यूरोपीय लोगों का प्रवास लगातार जारी रहा था, और ये मुख्य रूप से जो है दूसरे देशों में जाकर अपने जो स्थायी निवास के साथ साथ में अपने साम्राज्य भी स्थापित करने लग गए थे। ये जो यूरोपीय जो लोग जो प्रवास करके दूसरे देशों में गए थे उनको अपन प्रवासी क्षेत्र के आधार पर देखें कि यूरोपीय जो लोग प्रवास कर रहे हैं वो किन किन क्षेत्रों में करके गए हैं, यानी कि उनको अपन एक अपन बात करें जो है जलवायु के अनुसार अपन बात करते हैं कि कौन से क्षेत्रों में प्रवास करके गए कौन से लोग यूरोपीय। यानी कि जो यूरोपीय लोग हैं वो अपने पास में कौन कौन से क्षेत्रों की ओर प्रवास करके गए थे। तो यूरोपीय महाद्वीप के जो लोग थे वो मुख्य रूप से अपने पास में जो है दो क्षेत्रों की ओर प्रवास करके गए थे, उनको अपन निवास स्थान के अनुसार अगर बांटें तो पहला आता अपने पास में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर वो क्या करें प्रवास करने चल गए। इसमें अपने पास में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपन बात करते हैं तो जो अपन जो यूरोपीय लोगों का मुख्य प्रवास किधर था अपने पास में उत्तर पश्चिमी दिशा से गए थे, यानी कि यूरोप महाद्वीप के कौन सी दिशा उत्तर और पश्चिमी दिशा से ये लोग प्रवास करके गए थे। तो उत्तर और पश्चिमी दिशा इनके अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट के पास है, तो इनके पास है मुख्य रूप से कौन से दो महाद्वीप जहाँ पर विरल जनसंख्या निवास करती थी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपने पास में ऐसे एक तो अपने पास में उत्तरी अमेरिका और दूसरा अपने पास में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अपने पास में दो क्षेत्रों के साथ साथ में यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो यूरोपीय महाद्वीप के लोग जो प्रवास करके गए वो कहाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो समुद्र तटीय जो इलाके थे उनकी तरफ प्रवास कर गए और वहाँ जाकर वो निवास स्थान करने लगे। साथ ही एशिया महाद्वीप में, एशिया जो अपने पास में महाद्वीप हैं उस एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग दक्षिणी पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग दक्षिणी पूर्वी भाग में जाकर वो निवास करने लगे और वहाँ पर ऐसी व्यापारिक फसलें नकदी फसलों का उन्होंने उत्पादन करने लगे जिनमें चाय है, चावल है, गन्ना है, कपास है, कहवा है, नारियल की है, केले के बागान हैं, ऐसे फसलों का उत्पादन कर उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि इन फसलों का उत्पादन ये करने लग गए थे और इनके बड़े बड़े बागान इन्होंने यहाँ पर लगाना प्रारंभ कर दिए। यानी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में जिसमें भारत भी आता है अपने पास में इंडोनेशिया, जावा है, सुमात्रा है, फिलीपींस द्वीप समूह हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये प्रवास करने लगे और वहाँ पर चाय, चावल, गन्ना, कपास, कहवा के बागान उन्होंने वहाँ पर लगाना प्रारंभ कर दिए और उन बागानों में काम करवाने के लिए
जहाँ पर इनके उपनिवेश थे, जहाँ पर जिन देशों को इन्होंने गुलाम बना रखा था, वहाँ से इन लोगों ने दास प्रथा के तहत, बंधुआ मजदूरी प्रथा के तहत, बेगार प्रथा के तहत उन बागानों में ये उन मजदूरों को प्रवास करने लगे, बेचने लगे और धीरे धीरे वो मजदूर वहीं के जाकर निवास हो गए। तो भारत से या उनके उपनिवेशों से भी प्रवासन हो गया, साथ ही यूरोपीय जो लोग थे उनको वहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता मिली, वहाँ का उनको अत्यधिक मात्रा में उनके संसाधन पाए जाते थे तो उनका वो उपभोग करने लगे। इस वजह से यूरोप महाद्वीप के जो उत्तर पश्चिमी भागों में इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल के जो लोग थे वो इन क्षेत्रों में आकर स्थायी रूप से निवास करने लग गए थे। उसके बाद में दूसरा अपने पास में आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब अपने पास में जो यूरोप महाद्वीप है इसकी जलवायु भी कैसी है, शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि शीत जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यानी यूरोप महाद्वीप में भी अपन कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठंड हमेशा यहाँ पर रहती है, सर्दियों में तो यहाँ पर जो बारिश जो बर्फ़ के रूप में होती हैं। तो अपने पास में जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जो प्रवास करने लगे तो इन क्षेत्रों में प्रवास करने का मुख्य रीज़न ये भी था कि जैसे अपन यूरोपीय लोगों के अनुकूल इन क्षेत्रों में जो जलवायु यहाँ पर पाई जाती थी, इस वजह से अपने अनुकूल जलवायु मिलने की वजह से इन क्षेत्रों में जो है लोग आसानी से अपना जो निवास स्थान बनाने लगे और यहाँ पर वो अपना जीवन सुखपूर्व जीने लगे। इनमें जो स्थानांतरण करने में जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में कनाडा, यानी कि जो अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बाद में जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों के जो प्रवास की अपन बात करते हैं तो अपने पास में उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप हैं, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका वाला कनाडा है, दक्षिणी जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड जैसे अपने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्रों की ओर वो प्रवास करने लगे थे। यह था अपने पास में यूरोपीय क्षेत्रों से होने वाले लोगों का प्रवास। उसके बाद में अपना आएगा एशियाई जो महाद्वीप से या एशियाई जो क्षेत्र से हैं लोगों का जो प्रवास किस प्रकार से हुआ, उनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।